हे गाइस वेलकम टू कोल गैटर आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ सो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें हियर वी विल प्रोवाइड यू द क्वालिटी एजुकेशन सो जस्ट बी विद एंड सपोर्ट अस टू प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट रिलेटेड टू ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स विच विल बी प्रूवड बेनिफिशियल फॉर यू टू क्वालिफाई योर एग्जाम सो स्टेड विद अस थैंक यू सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक ना देट इज़ इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड एंड इंडिया जितने भी इम्पोर्टेंट डेजर्ट हैं पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में जो कि एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं ठीक है वो मैं आपको इसमें कराऊंगी ज़्यादा नहीं है कुछ ही है लेकिन उनमें से आपके दो नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे एग्ज़ाम में तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपने टॉपिक को और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन डेट इज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एस टी टी पी एस टी डॉट मी गोल गेटर ए टू जेड इस पर मैं आपको सभी अपने वीडियो लेक्चर के पी डी एफ एंड बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूंगी सो लेट्स स्टार्ट गाइज आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर डैट इज सहारा डेजर्ट सहारा डेजर्ट आपको मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है आप देख सकते हैं डेजर्ट आज मैं आपको कराऊंगी सो विच इज द फर्स्ट डेजर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया अगर हम एरिया की बात करें एरिया में सबसे ज्यादा बड़ा जो डेजर्ट है वो कौन सा है दैट इज एंटार्क्टिका डेजर्ट एंटार्क्टिका डेजर्ट जो है ये सबसे बड़ा डेजर्ट है और ये इसकी लोकेशन कहाँ है है कहाँ पर ये ये है एंटार्क्टिका में आपने देखा होगा एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट है और वो क्या है एंटार्टिका डेजर्ट है पूरा का पूरा ओके okay, वहाँ पे कुछ भी तो नहीं है सिर्फ आइस आइस है सो दैट इज एंटार्क्टिका डेजर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ये नंबर वन पर आता है ठीक है दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है ये है आर्कटिक डेजर्ट आर्कटिक डेजर्ट और ये कहाँ कहाँ से पास होता है अलास्का कैनेडा ग्रीनलैंड आइसलैंड नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड एंड रशिया मीन्स ये यहाँ से पास होता है ये आप देख सकते हैं अलास्का कनाडा ग्रीनलैंड आइसलैंड नॉर्वे ये पूरा नॉर्थ अमेरिका आ गया है स्वीडन फिनलैंड एंड रशिया रशिया भी आ गया है यूरोप का भी कुछ पार्ट आ गया है इसमें आप मैप में देख सकते हैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है सहारा डेजर्ट जो सहारा डेजर्ट है ये कहाँ पर है ये है अल्जीरिया चैड इजिप्ट इरीट्रिया लीबिया माली मोरिटेनिया मोरक्को नीगर स्वीडन एंड एंडसिया मीन सहारा डेजर्ट नॉर्थ अफ्रीका में है कहाँ पे है नॉर्थ अफ्रीका में तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो आर्कटिक है वो कहाँ पे है कुछ तो पार्ट उसका नॉर्थ अमेरिका का है नॉर्थ अमेरिका में है कुछ तो पार्ट ठीक है आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपके इतने सारी जगह भी याद ना रहे प्लस कुछ थोड़ा बहुत यूरोप भी उसमें कंसिडर्ड है उसमें एडिड है यूरोप का भी थोड़ा सा पार्ट जो अंटार्क्टिका है वो अंटार्क्टिका पूरे अंटार्क्टिका में ही है ठीक है वो पूरा ही डेजर्ट है नेक्स्ट जो सहारा डेजर्ट है वो कहाँ पे है ये है हमारा नॉर्थ अफ्रीका में कहाँ पे है सहारा डेजर्ट नॉर्थ अफ्रीका में ठीक है गाइज ये आपको ध्यान रखना है आप नोट करके रख सकते हैं या फिर स्क्रीन ले सकते हैं नेक्स्ट जो है बाकी मैं इसका पी जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी वहां से आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है दैट इज़ अरेबियन डेजर्ट फोर्थ नंबर पे कौन सा डेजर्ट आता है गाइस दैट इज़ अरेबियन डेजर्ट ये कहाँ कहाँ से पास हो, आउट होता है दैट इज़ इराक जॉर्डन कोत ओमान कतर सऊदी अरेबिया यूनाइटेड अरब इमेरेट्स एंड यमन आप देख सकते हैं ये जो है आ, यूरोप के कुछ पार्ट से ये पास होता है जहाँ पे यूरोप और अफ्रीका का थोड़ा सा पोर्शन मिलता है ना उसके बीच से ये पास आउट होता है ये पार्ट आप ये मैप में भी देख सकते हैं इराक जॉर्डन कुवैत ओमान कतार सऊदी अरेबिया यूनाइटेड अरब इमारेट्स एंड ये मैन कहाँ से पास आउट होते हैं ठीक है अरेबियन डेजर्ट यहाँ पे है तो कहाँ पे है ये यूरोप में ही है और थोड़ा सा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लगा हुआ जो पोर्शन है यूरोप का वहाँ पे है ठीक है यूरोप में ही है आप को जो है मैप आपके अपने पास लेके बैठे और उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा ठीक है ना बाकी मैं लास्ट में मैप प्रोवाइड कर दूंगी इस वीडियो के लास्ट में मैं मैप प्रोवाइड कर दूंगी उसमें आप देख लेना नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है गोभी डेजर्ट डेजर्ट जो है वो कहाँ पे है गोभी डेजर्ट मंगोलिया इंड चाइना में है ये जो है गोभी डेजर्ट इसके बारे में कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ गोभी डेजर्ट जो है एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया हम कह सकते हैं इसे लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया कौन सा है लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया गोभी डेजर्ट जो है एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है नेक्स्ट जो डेजर्ट आता है डेट इज कालहारी डेजर्ट कालहारी डेजर्ट कहां पे है यह है एंगोला बोत्सवैना नेम्बिया एंड साउथ अफ्रीका ठीक है एंगोला बोत्सवैना नेम्बिया एंड साउथ अफ्रीका में कालहारी डेजर्ट है ये सिक्स नंबर पे आता है कौन से नंबर पे आता है ये ये सिक्स नंबर पे आता है कालहारी डेजर्ट जो है ये सिक्स नंबर पे आता है एंगोला बोत्सवाना नंबी एंड साउथ अफ्रीका मीन्स साउथ अफ्रीका का जो पोर्शन है ना नीचे का जो साउथ अफ्रीका का नीचे का जो पोर्शन है ना ऐसे करके यहाँ पे जो पोर्शन है ये जो यहाँ पे जो जितना भी एरिया है उस एरिया में ये आता है कौन सा कालहारी डेजर्ट ठीक है ऊपर के नॉर्थ जो पा, पार्ट है ना साउथ अफ्रीका का नॉर्थ पार्ट जो है वहां पे क्या आता है सहारा डेजर्ट आता है ठीक है और कालहारी डेजर्ट साउथ पार्ट में आता है मैं आपको यहाँ पे ही बना के दिखा देती हूँ जो गोबी डेजर्ट है वो जो चाइना है चाइना जो है और चाइना के ऊपर थोड़ा सा पोर्शन मंगोलिया का है वहाँ पे और थोड़ा सा पोर्शन चाइना में ये डेजर्ट आता है गोबी डेजर्ट. डेजर्ट आता है सेवंथ जो आता है मीन सेवंथ लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड वो कौन सा है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट दैट इज़ ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ठीक है सेवंथ लार्जेस्ट डेजर्ट है और ये कहाँ पे आता है ऑस्ट्रेलिया में आता है ठीक है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे आता है ऑस्ट्रेलिया में आता है अब हम कर लेते हैं इंडिया के डेजर्ट्स इंडिया में कौन कौन से डेजर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं दैट इज जैसलमेर डेजर्ट जैसलमेर डेजर्ट कहाँ पे है राजस्थान में है ठीक है जैसलमेर डेजर्ट कहाँ पे है राजस्थान में है और राजस्थान की जो कैपिटल है कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी यहाँ पे कर लेते हैं राजस्थान की कैपिटल क्या है सो so, जो राजस्थान की कैपिटल है वो है जयपुर ठीक है ना जयपुर जो है राजस्थान की कैपिटल है और गुजरात की कैपिटल क्या है गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर ठीक है नोट इट डाउन गांधी नगर जो है गुजरात की कैपिटल है अब आते हैं हमारे डेजर्ट्स पे डेजर्ट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं इंडिया में सारी डेजर्ट करा रही हूँ मैं इंडिया के जैसलमेर जो डेजर्ट है जैसलमेर डेजर्ट वो राजस्थान में है कच्छ डेजर्ट जो है गुजरात में है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में कच्छ जो डेजर्ट है ना उसे वाइट साल्ट डेजर्ट भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या है नमक बहुत ज़्यादा है वहाँ पे नमक जो है वो बहुत ज्यादा है वो नमक का ही डेजर्ट है पूरा का पूरा सो इट इज ऑल्सो नोन एज वाइट साल्ट डेजर्ट इसलिए वो वाइट साल्ट डेजर्ट भी बोला जाता है और कच्छ ही डिस्ट्रिक्ट में है और जो डेजर्ट है उसका नाम भी कच्छ डेजर्ट ही है ठीक है ये आपको बहुत ईजली याद रहने वाला है नेक्स्ट जो है ये है पुष्कर डेजर्ट पुष्कर डेजर्ट भी राजस्थान में है ये नाम से ही पता चल रहा है जैसलमेर राजस्थान पुष्कर राजस्थान तो ये जो है थोड़ा सा उसके वहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज से थोड़ा सा रिलेटेड है वहाँ पे जो जैसा कल्चर है जैसी संस्कृति है जैसी भाषा है वहाँ पे सो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप नाम देख भी सकते हैं आप यहाँ से ही आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो डेजर्ट है ये कहाँ पर हो सकता है नेक्स्ट जो डेजर्ट है ये है बीकानेर डेजर्ट ये राजस्थान में है बीकानेर डेजर्ट जो जोधपुर डेजर्ट है वो भी राजस्थान में है आप देख सकते हैं जोधपुर बीकानेर जैसलमेर पुष्कर ये जगह भी है ठीक है नेक्स्ट जो है ये चित्तौड़गढ़ में भी एक डेजर्ट है चित्तौड़गढ़ डेजर्ट ये भी राजस्थान में है और कुंभालग में भी एक डेजर्ट है ये भी राजस्थान में है ठीक है आप आपको पता ही है कि जितने भी वहाँ पे एरिया हैं जितने भी वहाँ पे एरिया हैं सब में ही रेत ही रेत है तो डेजर्ट तो सब में ही होंगे वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इन्हें याद करना लेकिन फिर भी मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कुंभालगढ़ जो डेजर्ट है ये भी राजस्थान में है कुंभालगढ़ वहाँ पे एरिया है सो so इनके तो बेसिकली एरिया के नाम पे ही इनके डेजर्ट का नाम रखा हुआ है क्योंकि राजस्थान तो पूरा ही डेजर्ट है ना तो कहाँ तक डेजर्ट के नाम रखते हम नेक्स्ट जो है अजमेर में भी डेजर्ट है वो भी राजस्थान में है बूंदी राजस्थान जो बूंदी जो जिला जो शहर है उसमें भी क्या है डेजर्ट है नेक्स्ट जो है खिमसा राजस्थान खिमसा राजस्थान जो है वहाँ पे भी एक डेजर्ट है लद्दाख में भी डेजर्ट है देखो लद्दाख जम्मू कश्मीर में है वहाँ पे भी एक डेजर्ट है और स्पीति हिमाचल प्रदेश ठीक है स्पीति हिमाचल प्रदेश में एक डेजर्ट है स्पीति हिमाचल प्रदेश ठीक है डेजर्ट माउंटेन वैली इसका नाम है डेजर्ट माउंटेन वैली और नूबरा वैली में भी एक डेजर्ट है कश्मीर में है नबरा वैली ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है मेजरली की वेयर इज़ नूबरा वैली लोकेटेड तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है नूबरा वैली लोकेटेड है और यहाँ पे भी एक डेज़र्ट है ग्रेट थार डेजर्ट जो है थार का जो रेगिस्तान है वो कहाँ पे है बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है ना उसके बीच में थार डेजर्ट लाई करता है थार डेजर्ट इंडिया एंड पाकिस्तान की बाउंड्री के बीच में लाई करता है और कहाँ पे है ये राजस्थान में है और ये ही इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी है थार डेजर्ट ठीक है राजस्थान में ही है और कहाँ पे है इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री के बीच और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेजर्ट है इंडिया की पर्सपेक्टिव से थार डेजर्ट ही याद रखना है सबसे बड़ा डेजर्ट जो है इंडिया का दैट इज़ थार डेजर्ट लोकेटेड इन राजस्थान बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय एंड हैव अ नाइस डे